हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका क्रिस्टीना किचन चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लो जी, आज हम लेके आए हैं पालक पनीर की सब्ज़ी, जो कि हमने बिना उबाले, बिना कुकर पे सीटी लगाए हुए, सिर्फ कढ़ाई में बनाई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। चले, हम मिलते हैं म्यूजिक के बाद। इसमें हमें चाहिए पालक 3, टमाटर थोड़ी सी, अदरक 4, हरी मिर्च 2, प्याज और लहसुन, और पनीर। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बारीक बारीक पालक कट कर लेनी है। देखिए, हम दिखा रहे हैं कितनी बारीक कट करनी है, बिल्कुल बारीक पालक कट करनी है हमें, अच्छे से साफ करके। देखिए, हमने पालक कट कर लिए। आप चाहो तो ऐसे पालक कट करने का तरीका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और बिल्कुल बारीक हमें कट करनी है। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। देखिए, हमने वॉश कर लिया है। साथ में हम कूटेंगे थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ा काट के इसको कूट लेना है। देखिए, हमारा कट कूट चुका है। हमें कूटना इसलिए पसंद है क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ताकि हम बनाएं तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जले ना। हम टमाटर को कट नहीं करेंगे, बस इसका ये एक्स्ट्रा पार्ट निकाल के और इसका 2 हिस्से कर देंगे। ये ऐसे ही मैश हो जाएगा मैसर से। अब थोड़ा लहसुन हम दरदरा कट करेंगे स्लाइसेस में, एक्स्ट्रा तड़के में काम आएगा। अब हमें प्याज को भी बारीक कट करना है। अगर आपके पास चॉपिंग प्लेट नहीं है तो आप नॉर्मल भी कट कर सकते हैं, पर ध्यान रहे प्याज बिल्कुल बारीक कट करना है। देखिए, हमारा प्याज कट हो चुका है। अब हम पनीर को कट करेंगे। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घी लेंगे एक पैन में, और घी मेल्ट होते ही हम इसमें, गर्म होते ही हम डाल देंगे पनीर, हमारा जितना सारा पनीर है। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे 1 चम्मच, और 1 चम्मच हम लाल मिर्च डालेंगे, आधी चम्मच। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। इससे हमारा जो ये मिर्च और नमक है, पूरा पनीर के अंदर चला जाएगा। देखिए कितना वो हो गया है। चले, अब तड़का लगाते हैं। हम दोबारा से कढ़ाई में घी गरम करेंगे। इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे हम। अब जो हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट डालेंगे। अभी देखिए, हमने पानी इसीलिए डाला था क्योंकि अब वो लहसुन को और अदरक को जलने नहीं देगा और अच्छे से भुनेगा। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी,
थोड़ा सा नमक और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर ढक के पकाएंगे 5 मिनट में। और ये हमने ऑरिगेनो लिया है, साथ में काली मिर्च लिए, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमने जो टमाटर लिए थे उनको इसके अंदर डालना है और ढक देना है। वो कुक होंगे, वो उनकी स्किन को छोड़ देंगे अपनी, तो हम उसको निकाल देंगे। देखे सॉफ्ट होते जा रहे हैं। अब हम देखें इनकी स्किन कितनी आसानी से निकल रही है। ऐसे इसकी सारी स्किन निकाल देनी है और इनको अच्छे से मैश कर लेना है। आप चाहो तो मैशर की सहायता से भी कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारे टमाटर मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डाला है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, अब हम इसमें ये पालक डालेंगे। और ध्यान रहे इसको साथ के साथ मिक्स नहीं करना है। अब पालक डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है। देखिए थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि पालक अपना पानी छोड़ रही है और इसको मिक्स करते जाएंगे। देखें पालक पूरी अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा हमने डालना है आटा और थोड़ी सी मलाई, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देनी है। गेहूं का आटा आपको लेना है और इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाना है। साथ के साथ चलाते रहें ताकि आटा नीचे ना लगे। देखिए हमारा लगभग आटा पक चुका है। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें घी डालेंगे, थोड़े से हम काजू रोस्ट करेंगे, घी में भुनेंगे, सॉरी ये पनीर के अंदर डाल दी हमने। अब हमने जो लहसुन कट किया था स्लाइसेस में, उसका तड़का लगाएंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए। और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, हमने देखे इसमें पनीर डाल दिया है और कितना अच्छा कलर इसमें आया है। साथ में हमने जो तड़का तैयार किया था कश्मीरी लाल मिर्च डाल के लहसुन का, उसको इसमें डाल देना है। साथ में हमने धनिया पत्ती डाली है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम सर्व करते हैं। आई होप आप सबको हमारे साथ वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।